हेलो, वेलकम यू ऑल टू इन्फॉर्मेशन क्लाउड चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया ने कुछ दिन पहले अपना नया मैप जारी किया है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। तो ये नया मैप को लेकर नेपाल ने फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। डिटेल में बताऊँगा कि क्या है पूरी घटना और नेपाल को क्यों दिक्कत आई इसमें। We'll discuss everything in detail. Before starting the video, let me remind you, if you haven't already, then do subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get notification whenever I will upload a new video. So without wasting any more time, let's get started. जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसमें हाल ही में बने दोनों नया यूनियन टेरिटरी को दर्शाया गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और इस नया मैप को लेके और एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नेपाल ने आपत्ति जाहिर की है कि इंडिया ने कुछ ऐसे हिस्सों को शामिल किया है मैप में जो कि एक्चुअली बिलोंग करता है नेपाल को। 6 नवम्बर को नेपाल की प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने ये कहा है कि भारत ने अभी जो नया नक्शा जारी किया है उसमें नेपाल की कालापानी एरिया को अपना हिस्सा बताया, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया ही नेपाल का है और हम भारत के द्वारा जारी किए गए इस नए नक्शे को स्वीकार नहीं करते हैं और काठमांडू हमेशा कमिटेड है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर। आइए अब जानते हैं कि क्या इशू है एंड वेयर इज कालापानी। देखिए, ये इलाका है कालापानी, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर मिलते हैं एक दूसरे से। भारत उस एरिया को उत्तराखंड का पिथौरागढ़ का हिस्सा बताता है और नेपाल अपनी दरचुला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानती है। तो ये एक 450 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको लेके डिस्प्यूट है अभी। आपको बता दें कि यहाँ अभी भी इंडियन फोर्सेस डिप्लॉयड है और कुछ पोस्ट भी है यहाँ जहाँ से इंडियन आर्मी को पूरा इलाका का निगरानी करता है। आप पूछेंगे कि नेपाल तो फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन वहाँ आर्मी का क्या जरूरत है, आर्मी क्यों तैनात है वहाँ? एक्चुअली वहाँ इंडियन आर्मी नेपाल को डिफेंड नहीं कर रहा है, वो चाइनीज आर्मी को डिफेंड कर रहा है। वहाँ एक चाइनीज एरिया है जिसका नाम है बुरांग, और वहाँ चाइनीज पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कुछ पोस्ट भी हैं। अगर वहाँ इंडियन सोल्जर्स नहीं होते तो चाइनीज इंकर्सन हो सकता है वहाँ पर थ्रू उत्तराखंड। हालांकि उतना ईजी भी नहीं है कि पूरी मिलिट्री साजो सामान के साथ वहाँ वो आ जाए, क्योंकि टेरेन ही बहुत खराब है वहाँ, लेकिन आर्मी तो भेज सकते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये एरिया। 1962 में जब वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसी टाइम नेपाल ने ये अलाउ किया था कि इंडियन ट्रूप वहाँ रह सके और अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर सके, क्योंकि उतना खास रिलेशन तब नेपाल का था नहीं चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि आप सबको तो पता होगा कि नेपाल एक मोनार्की था। बाद में जैसे कम्युनिस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट आया नेपाल में, तो नेपाल धीरे धीरे चाइना की तरफ झुकने लगा। खैर, ये अलग बात है, किसी और टॉपिक में किसी और दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाद में इंडिया ने बहुत सारी पोस्ट खाली भी कर दिया था और कालापानी रीजन में पोस्ट को अपनी कब्जा में रखा स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस को देखते हुए। आइए अब जानते हैं कि एक्चुअली डिस्प्यूट है क्या, क्योंकि इसको लेकर इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप बहुत हद तक खराब भी हुए हैं। ना सिर्फ हमारा रिलेशनशिप खराब हुए हैं, बाकी देश जैसे चाइना और पाकिस्तान इस झगड़े से फायदा उठाने के चक्कर में है। तो जल्द से जल्द ही ये मामला सुलझना चाहिए, लेकिन सारा फसाद का जड़ कहीं और है जहाँ से दुनिया का हर एक डिस्प्यूट जन्म लेता है। आप समझ गए होंगे मैं ब्रिटिश राज का बात कर रहा हूँ। साल 1816 में ब्रिटिश राज और नेपाल के बीच एक ट्रीटी हुआ था जिसका नाम था सुगोली ट्रीटी। इससे 2 साल पहले यानी 1814 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जंग हुई थी और जिसमें नेपाल हारी गया था। तो लगभग 1/3 एरिया उसके साथ उसके हाथ से ही चली गई थी। तो बाद में वो लैंड एरिया को रीडिफाइन करने के लिए और कुछ शर्तों के लिए ये संधि की गई थी। तो इसमें एक चीज़ ये कहा गया था कि जो काली नदी है वही बॉर्डर का काम करेगा इंडिया और नेपाल के बीच में। उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो पूरा का पूरा भारत का, और जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा का पूरा नेपाल का। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। ब्रिटेन ने जितने भी मैप जारी किए हैं इस संधि के बाद, हर जगह ये नदी को अलग अलग दिखाया गया है। तो ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में कौन सा टेरिटरी किसका है ये बताने में, तो इसी वजह से डिस्प्यूट है। अब देखते हैं कि इंडिया का रेस्पॉन्स क्या रहा नेपाल अपोज करने के बाद।
इंडिया ने कहा हमने मैप के साथ या नेपाली टेरिटरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, पुराना मैप जैसा था बाउंड्री को लेके हम वैसे ही नया मैप दिखाए हैं। आगे ये भी बोला गया कि हमारे बीच में जो कुछ भी डिस्प्यूट है वो फॉर्मली हम डायलॉग के जरिए सॉल्व करेंगे इन द स्पिरिट ऑफ आवर क्लोज एंड फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशन। इंडिया ने ये भी कहा था कि कोई थर्ड पार्टी का यहाँ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं उसके बहकावे में ना आए, सब कुछ बायलैटरल डायलॉग के जरिए सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डिस्प्यूट रिजोल्विंग मैकेनिज्म वहाँ काम कर रही है और इस टाइम में नेपाल का प्रोटेस्ट करना साफ साफ इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी थर्ड कंट्री का वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी कालापानी डिस्प्यूट को लेकर। इंडिया को जल्द से जल्द ये डिस्प्यूट को सुलझाना चाहिए क्योंकि नेपाल एक फ्रेंडली कंट्री है और नेपाल के साथ हम ओपन बॉर्डर भी शेयर करते हैं और एक ऐसा देश जिसके साथ हम ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं और उसके साथ सीमा विवाद चलेगा तो ये इंडिया के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम बन सकता है। बाकी तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई विल बी कमिंग विद मोर सच नॉलेजेबल स्टफ्स फॉर यू। भगवान आप सबका भला करे। जय हिंद, वंदे मातरम।